students, I hope you are doing well. I'm your chemistry instructor Abdullah, and today we are going to start our next chapter 8 summary. Dear students, is chapter ko actually two parts mein convert kiya gaya hai. One is for metal and the other one is for non-metal. So sabse pehle agar hum metals ke bare mein jane, to hum samajhte hain ki aluminium, copper, iron, ye sari common metals hain jinke bare mein aap already padhte aaye hain apni previous classes mein. और मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स के आखिरी शेल में क्योंकि एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करके पॉजिटिव करेक्टर यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर शो करते हैं यानी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. इसके अलावा स्टूडेंट्स मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी की एंड डक्टिलिटी की. मेलेबिलिटी का मतलब ये कि मेटल्स को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और डक्टिलिटी का मतलब ये कि मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आइए स्टूडेंट अभी जो मैंने आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में बताया इसको स्टडी करते हैं. इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब ये कि मेटल्स टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन यानी मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. यही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कहलाता है. अगर हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर को ग्रुप्स में स्टडी करें तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स में क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना एक्चुअली आउटर मोस्ट शेल में से इजी हो जाएगा. जब इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि अलॉन्ग द ग्रुप्स आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा होगा. अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड्स तो अलोंग द पीरियड्स एटम्स का साइज क्योंकि स्मॉलर होता जाता है और जैसे जैसे एटम का साइज छोटा होगा वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा. जब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के लूज करने से आता है. डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर को हम केमिकल रिएक्टिविटी से भी कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो उसमें मेटालिक करेक्टर यानी एक्चुअली रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स इंक्रीज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल लिथियम अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा जिसको हम लिथियम ऑक्साइड बुलाएंगे. इसी तरह अगर सोडियम रिएक्ट करेगा तो वो सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू लिथियम ऑक्साइड. और इसी तरह अगर हम ग्रुप में मज़ीद नीचे आ जाएँ जिसमें पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे क्योंकि ये सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं. सो यहाँ से भी आपको एक बात का आइडिया हो रहा होगा कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज हो रहा है और केमिकल रिएक्टिविटी भी एक्चुअली इंक्रीज हो रही है. तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर का केमिकल रिएक्टिविटी के साथ कम्बिनेशन है. इसी तरह अगर हम बात करें इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर जो कि डिक्रीज हो रहा था अलॉन्ग द पीरियड तो आप देखेंगे कि मैग्नीशियम का रिएक्शन इग्निशन के साथ है लेकिन अगर हम अल्यूमिनियम की बात करें तो उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हीटिंग के साथ है. इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अल्यूमिनियम क्योंकि अल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाने के लिए हीटिंग की ज़रूरत पड़ रही है. आइए स्टूडेंट्स फाइनली हम बात करते हैं मेटालिक करेक्टर की बेस पर. मेटालिक करेक्टर का मतलब ये कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं. तो स्टूडेंट्स ग्रुप्स में मेटालिक करेक्टर एक्चुअली इंक्रीज होता है लेकिन अलोंग द पीरियड्स मेटालिक करेक्टर एक्चुअली डिक्रीज होता है. यानी अलोंग द पीरियड्स हम मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं लेकिन अगर हम बात करें अलोंग द ग्रुप्स तो हम मेटालिक करेक्टर और इंक्रीज हो जाएगा. मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होने का मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होना क्योंकि मेटल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं. तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स तीनों अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि जिसमें हमने इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर का ट्रेंड भी बताया, केमिकल रिएक्टिविटी से भी उसको कंपेयर किया और मेटालिक करेक्टर से भी उसको कंपेयर किया. आइए स्टूडेंट्स अब हम कंपेयर करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की. इसके लिए आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का पता होना चाहिए इन पीरियोडिक टेबल. देखिए स्टूडेंट्स अल्कली मेटल्स के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो उनको लूज करना बहुत आसान काम है तो इस वजह से अल्कली मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे. हालांकि जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं क्योंकि उनके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं इस वजह से वो ग्रुप नंबर 2 में प्लेस होंगे तो उनको भी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू दो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन में जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली बढ़ जाता है. हालांकि ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स भी रिएक्टिव होंगे लेकिन अगर हम ग्रुप नंबर 1 यानी अल्कली मेटल से कंपेयर करें
तो अल्कली मेटल ज्यादा रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विजेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। देखें, आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स की भी कम होती है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की भी कम होती है, और अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो अल्कली मेटल्स में आयनाइजेशन एनर्जी का डिक्रीजिंग ट्रेंड आपको मिलेगा अलॉन्ग द ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सोडियम, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसी तरह अगर हम पोटाशियम में आ जाएँ, पोटाशियम की आयनाइजेशन एनर्जी और कम होगी। इसी तरह ये आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड थोड़ा सा डिक्रीजिंग की तरफ आता जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रुप नंबर 2 की बात करें जिसमें ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये एलिमेंट्स आते हैं, तो इसमें भी आपको अलोंग द ग्रुप्स डिक्रीजिंग ट्रेंड मिलेगा। अब दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो इसका मतलब दोनों में अगर आप ग्रुप्स में आते हैं टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो चुका है। सो होपफुली आपको आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। देखिए स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा अहम अल्कली मेटल सोडियम है। सोडियम की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें आयरन से, आयरन क्योंकि स्ट्रांग होता है, थोड़ा हार्ड होता है, तो आपके जहन में भी आना चाहिए कि सोडियम भी बहुत ज़्यादा हार्ड या स्ट्रांग होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। सोडियम इनफैक्ट इतना सॉफ्ट है कि आप उसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इसकी रीज़न ये है कि आयरन में एक्चुअली एटम का साइज छोटा होता है, और आखिरी चेन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा होंगी तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें, उसके एटम का साइज आयरन के मुकाबले में ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन यहाँ पे कम होंगी, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब कम होंगी तो मेटालिक करेक्टर यानी मेटालिक बॉन्ड यहाँ पे एक्चुअली वीक होगा। तो वीक मेटालिक बॉन्ड की वजह से सोडियम सॉफ्ट होगी, और इतना सॉफ्ट होगा कि इसको आप नाइफ के जरिए कट भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सोडियम की मजीद बात करें तो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हम इसको कैरोसिन ऑयल में प्लेस करते हैं। वाटर के साथ इनफैक्ट इसका काफ़ी ज़्यादा विग्रस और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वाटर के साथ सोडियम रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सोडियम की रिएक्शन की मजीद बात करें तो सोडियम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेस में होगी तो सोडियम परऑक्साइड बना देगा। डियर स्टूडेंट, सोडियम के यूजेस की अगर बात करें तो ये सोडियम लैंप्स में भी यूज़ होता है, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में पेट्रोल में से एंटी नॉकिंग एजेंट को निकालने के लिए भी सोडियम का यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं सोडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट मेटल्स है। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उनमें कॉमन मैग्नीशियम और कैल्शियम है। मैग्नीशियम और कैल्शियम भी रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू सोडियम थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होंगी, जिसकी रीजन हमने पिछले टॉपिक में देखी। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम के अगर रिएक्शन की बात करें तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसको हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा अगर कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और वो रूम टेम्परेचर भी रिएक्ट कर जाता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, और अलॉन्ग द ग्रुप अगर आप देखें तो मैग्नीशियम पहले आ रहा है, कैल्शियम बाद में आ रहा है, तो अलॉन्ग द ग्रुप रिएक्टिविटी एक्चुअली इंक्रीज हो रही है, बिकॉज इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर कैल्शियम का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नीशियम लाइट वेट होता है, तो ये अल्यूमिनियम के साथ हम इसका अलॉय बनाते हैं, जो कि ऑटोमोबाइल्स और स्पेस क्राफ्ट में यूज़ होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जो कि एज एन एंट एसिड यूज़ होता है, यानी अगर किसी को एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको बेसिक मेडिसिन दी जाती हैं जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से मिल के बनी होती हैं। डियर स्टूडेंट, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम टीथ एंड बोन्स का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके अलावा कैल्शियम आयन तकरीबन तमाम लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं, और इसके अलावा कैल्शियम और पोटाशियम आयन्स नॉर्मल हार्ट फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कुछ ऐसे मेटल्स की जो कि इनर्ट होते हैं यानी रिएक्टिव नहीं होते, तो उनमें गोल्ड, प्लाटिनम, सिल्वर ये वाले मेटल्स आ जाते हैं।
अब बात करते हैं कि ये मेटल्स अगर इनर्ट हैं तो ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे, यानी गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर ये एक्चुअली रिएक्शन कम देते हैं, तभी हम इसको नोबल या इनर्ट मेटल कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स कि कॉपर और सिल्वर ये इतने इनर्ट हैं कि ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड परक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन गोल्ड और प्लैटिनम को अगर आपको रिएक्ट करवाना है तो उसके लिए आपको एक्वा रिजिया की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक्वा रिजिया एक्चुअली हम बनाते हैं 3 वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ और 1 वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये एक मिक्सचर बन जाता है जिसको हम एक्वा रिजिया कहते हैं, और ये गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व करने यानी उनके साथ रिएक्शन करवाने के लिए यूज होता है। डियर स्टूडेंट्स, गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करें तो गोल्ड और सिल्वर सदियों से एज एन ऑर्नामेंट एज ए ज्वेलरी आइटम यूज होता हुआ आ रहा है। अगर हम मजीद गोल्ड की बात करें और सिल्वर की बात करें तो ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हैं, तभी इन पे आसानी से क्रोजन यानी जंग भी नहीं लगता। सिल्वर की अगर हम बात करें तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है और यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ होता है, यानी काफ़ी सारे चांदी के बर्तन जैसे चांदी के चम्मच वगैरह भी हम सिल्वर से ही बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम गोल्ड की बात करें जो कि एज एन ऑर्नामेंट भी यूज़ होता है, इसके अलावा गोल्ड के कंपाउंड डेंटिस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, और इसके अलावा गोल्ड के सॉल्ट्स आप रेमेटाइड आर्थराइटिस जो कि बोन्स की बीमारी है उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर हम प्लैटिनम की बात करें तो प्लैटिनम इंडस्ट्री में एज अ कैटलिस्ट काफ़ी अरसे से यूज़ होता आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसमें प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है। इसके अलावा प्लैटिनम गाड़ियों में यूज़ होता है कैटेलिटिक कन्वर्टर के अंदर। अब कैटेलिटिक कन्वर्टर का काम ये है कि वो हार्मफुल गैसेस जो कि धुएं में होती है उसको वो कन्वर्ट करता है लेस हार्मफुल गैसेस में, और कन्वर्ट करने के लिए कैटलिस्ट का यूज़ होता है जो कि प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, प्लैटिनम यूज़ होता है फ्यूल सेल में एज एन इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा, इलेक्ट्रो कंडक्टिंग बॉडी होती है, जो तो यहाँ पे प्लैटिनम एज एन इलेक्ट्रोड यूज़ होगा फॉर फ्यूल सेल्स। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, MCQs, क्विजेस और बहुत कुछ। आज ही हमारे YouTube चैनल पर जाकर फ्री क्रैश कोर्स वीडियोस एंजॉय करें और बनाइए अपनी जिंदगी आसान। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर व्हिच आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो जहाँ पे मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करना, वहाँ पे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करेक्टर शो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स के बारे में आप याद रखें कि जनरली ये गैसेस होते हैं जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारी जनरली गैसेज हैं। इसके अलावा ये सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के इंटरमीडिएट होती हैं, बस ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स कहलाते हैं। अब हम मज़ीद डिटेल में बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर के बारे में। देखिए, जहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना होता है, वहां उसका रिवर्स होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, यानी जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो ऐसा मेटल यानी नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर शो करेगा, और जनरली नॉन मेटल ही इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर एक्चुअली अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज ऑफ द एटम डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल क्लोज है। जब बिल्कुल क्लोज है तो पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन आने वाले को आसानी से गेन कर लेगा। लेकिन अगर हम ग्रुप्स में मूव करें तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप डिक्रीज होता है। उसकी वजह यह कि साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, तो जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा यानी न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल में से फासला इंक्रीज हो जाएगा, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर अलोंग द ग्रुप्स एक्चुअली डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये ट्रेंड जहन में रखना है फॉर योर एग्जाम्स। डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स। देखिए, आपको हैलोजन्स का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले ये कि हैलोजन सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और रेयरली एस्टाटीन भी शामिल है। एस्टाटीन की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है बिकॉज वो रेडियो एक्टिव है। अब हैलोजन्स के बारे में आपको जहन में रखना है कि ये एक ग्रीक वर्ड हेलस और जेंस का मिक्सचर है।
हेलस का मतलब होता है सॉल्ट और जेंस का मतलब होता है फॉर्मर। तो हेलोजेंस का जनरली मतलब क्या हो गया, सॉल्ट फॉर्मर, क्योंकि हेलोजेंस नॉन मेटल्स होते हैं जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, इसी वजह से हम इसको सॉल्ट फॉर्मर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हेलोजेंस की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्लोरीन लेस रिएक्टिव होगा, फिर ब्रोमीन और लेस रिएक्टिव होगा, और आयोडीन सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव होगा। इसी तरह अगर हम ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो वो भी जनरली डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होने का मतलब भी यही होगा कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। यही वजह है कि फ्लोरीन जब रिएक्ट करेगा किसी मेटल के साथ तो ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये कि मेटल वहाँ पे मेटल की हो रही होती है ऑक्सीडेशन, तो उसके लिए नॉन मेटल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। डियर स्टूडेंट्स, यही हैलोजन्स जब रिएक्ट करते हैं किसी भी मेटल के साथ तो ये सॉल्ट बनाते हैं जिसका जिक्र अभी हुआ, और इसी तरह ये मेटल्स जब किसी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एसिड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो HF बन गया, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहलाएगा। इसी तरह अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो HCl, तो जनरली हम इसको हाइड्रोजन हैलाइड कहलाएंगे और ये एसिड का काम करते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी ट्रेंड की बात करें तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF वीक एसिड होगा एज कम्पेयर टू HCl, एज कम्पेयर टू HBr, SL एंड एज कम्पेयर टू HI। तो स्टूडेंट्स, एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए जो कि इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, यानी HF लेस एसिडिक, देन HCl, देन HBr, देन HI। डियर स्टूडेंट्स, फाइनली अगर हम ये बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर की स्ट्रेंथ की, तो आपने याद रखना है कि हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ्लोरीन को रिएक्ट करवाएं KCl के साथ तो यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन को आसानी से रिप्लेस कर सकता है, यानी फ्लोरीन क्लोरीन की जगह आ जाएगा और एज ए प्रोडक्ट KF मिलेगा और Cl2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि हाईली रिएक्टिव फ्लोरीन ने लो रिएक्टिव क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता, यानी अगर आप क्लोरीन को पोटाशियम फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो ऐसा नहीं होगा कि KCl और F2 बन जाए, ये रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज लो रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, लेकिन हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस आसानी से कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव एंडेड अप विद समरी हियर। आई एम अब्दुल्ला, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। थैंक यू।